हेलो फ्रेंड्स, पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट कार्ड को लॉन्च कर दिया है, जिससे आप पेटीएम वॉलेट बैलेंस को ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस कार्ड को एज ए बस पास, एज ए मेट्रो कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने पास बस पास और मेट्रो कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेटीएम की फुल KYC कम्प्लीट हो चुकी है तो इस कार्ड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पेटीएम वॉलेट ट्रांजेक्ट कार्ड को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे एक सेक्शन मिल जाता है माई पेटीएम का। इसके नीचे आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा पेटीएम वॉलेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम वॉलेट ट्रांजिट कार्ड। इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्टिवेट नाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से कार्ड देख सकते हैं, जो आपका कार्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। नीचे आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग पेटीएम वॉलेट ट्रांजिट कार्ड। नीचे आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पे एनी वेयर ऑनलाइन। इससे आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नीचे मिल जाता है शॉप एट एनी स्टोर, आप किसी शॉप या किसी स्टोर पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हो मेट्रो एंड बस पेमेंट, इससे आप मेट्रो और बस का पेमेंट कर सकते हैं। आपको मेट्रो कार्ड और बस का पास साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे आपको मिल जाता है योर स्पेंड इन योर कंट्रोल, आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे वो आपके कंट्रोल में होगा और उसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्टिवेट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अपनी बैंक का पासकोड टाइप करेंगे। पासकोड टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्टिवेट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम वॉलेट ट्रांजेक्ट कार्ड, यानी कि आपका ट्रांजेक्ट कार्ड एक्टिव हो चुका है। नीचे आप कार्ड होल्डर का नाम देख सकते हैं और नीचे कार्ड नंबर देख सकते हैं और नीचे आपको मिल जाता है CVV एंड एक्सपायरी डेट, इस पर क्लिक करके आप CVV नंबर और एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ऑर्डर और फिजिकल वॉलेट ट्रांजिट कार्ड, ये अभी कमिंग सून दिखा रहा है। आने वाले समय में इसका फिजिकल वॉलेट कार्ड भी आ जाएगा, जिसे आप कुछ चार्ज देकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके नीचे आपको मिल जाता है मैनेज कार्ड, यहाँ से अपने कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। उसकी आप लिमिट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू बेनिफिट्स, इस पर क्लिक करके आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है नीड हेल्प का, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर क्लिक करके आप पेटीएम से कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेटीएम वॉलेट ट्रांजेक्ट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।